आशा एक 6 महीने की स्वस्थ और सुंदर बच्ची की युवा माँ है। आज आशा याद कर रही है कि गर्भावस्था के आखिरी महीने उसके लिए कितने मुश्किल थे। उन दिनों आशा को अक्सर पीठ और कमर में दर्द होता था और पैरों में सूजन आ जाती थी। उसे चक्कर आते थे, काम करने पर उसकी सांस फूल जाती थी और उसका रंग भी फीका पड़ गया था। उसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ती थी और वह अपने दिन भर का कामकाज नहीं कर पाती थी। फिर भी वह किसी स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर या नर्स जैसे ANM के पास जांच के लिए नहीं गई। उसने सिर्फ अपनी सहेलियों और गांव के वैद्य सिरा और गुनिया से इस विषय में बातचीत करके उनकी सलाह ले ली। गर्भ के आखिरी महीनों में माँ के शरीर में परिवर्तन आना और कुछ तकलीफ महसूस होना सामान्य होता है, पर कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो माँ या बच्चे के स्वास्थ्य पर आने वाले संकट की चेतावनी देते हैं। ऐसे में गर्भवती माँ को फौरन पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर या ANM को दिखाना चाहिए। ये खतरे के संकेत होते हैं चेहरे और हाथों में तेजी से सूजन आ जाना, पेट में दर्द, नज़र धुंधली हो जाना, सर में दर्द, चक्कर आना और सांस फूल जाना। इसके अलावा कुछ और संकेत होते हैं रंग पीला पड़ जाना, बच्चे का पेट में घूमना कम हो जाना, नीचे से खून, मवाद या सफ़ेद पानी आना, दस्त या पेचिश, पेट में मरोड़ के साथ दर्द उठना और पीठ से दर्द उठकर सामने पेट में आना। गर्भ के आखिरी दिनों में सर दर्द, बुखार और उल्टियां होना भी मां के स्वास्थ्य पर आई कोई गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं, जिसके लिए उसे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। आशा की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर एक स्वास्थ्य कर्मचारी उसके घर आ गई और उसे ANM के पास ले गई, जिसने उसका रक्तचाप और वजन नापा और उसकी पेशाब की जांच करी। ANM ने बताया कि आशा का रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है और उसने तुरंत आशा को स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के पास भेज दिया। वहां आशा का सही इलाज किया गया, जिससे उसकी जान बच गई और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। ANM से बातचीत करके पता चला कि कोख के अंदर गर्भनाल होती है जो बच्चे को पोषण पहुंचाती है। अगर गर्भनाल कोख से अलग हो जाए तो माहवारी के समान माँ के शरीर से बहुत खून बह जाता है, जिससे माँ की जान को खतरा हो सकता है। भले ही खून बहने में कोई दर्द ना हो, फिर भी माँ को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने आशा को बताया कि पूरी गर्भावस्था के दौरान और खासकर आखिरी महीनों में गर्भवती माताओं के लिए नियमित जांच करवाना और अपनी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन जब आशा स्वास्थ्य केंद्र गई तो ANM किसी और गर्भवती माता की जांच कर रही थी, जिसके कोख में पल रहे बच्चे का सिर सामान्य से अधिक बढ़ा हुआ था। मां के खून की जांच करने पर पता चला कि खून में शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। आशा को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि बिना किसी लक्षण के भी गर्भावस्था में अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। डॉक्टर ने आशा के खून में आयरन की जांच करके उसे खाने के लिए आयरन की गोलियां दी, जिससे उसके बच्चे का अच्छा विकास हो सके और जन्म पर बच्चे का वजन सामान्य हो। आशा ने गर्भावस्था में आयरन से भरपूर भोजन खाया और नियमित रूप से आयरन की गोलियां भी खाईं। आज जब आशा अपनी बेटी को अच्छी तरह बढ़ता हुआ देखती है तो उसे खुशी होती है कि उसने गर्भावस्था में अपनी सेहत का ध्यान रखा और आखिरी महीनों में डॉक्टर की सलाह मानी। अब गांव में आशा अन्य गर्भवती माताओं के लिए प्रेरणा बन गई है और जब भी किसी माता को स्वास्थ्य केंद्र जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आशा उनके साथ जाती है।